नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों बिजनेस कैसे करें मैं आपको तरह तरह के बिजनेस आइडियाज़, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूं। तो आज मैं आपको इस मशीन से रूबरू करा रहा हूं जो हर महीने आपको कम से कम 60,000 रुपये कमा कर देने वाली है। दोस्तों ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो आपके हर व्यक्ति इस्तेमाल करता है, चाहे वो 5 महीने का बच्चा हो या 50 साल का व्यक्ति हो। दोस्तों हिंदुस्तान के क्या पूरी दुनिया के हर कोने में वो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस मशीन के साथ साथ इसका छोटा और बड़ा वर्जन भी दिखाने वाला हूँ। आप अपने निवेश के अनुसार जो चाहें वो मशीन लगाइए और खूब पैसा कमाइए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों, जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी अच्छा रोज़गार, अच्छा कारोबार मिल सके। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, घर मिलो दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना जरूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिजनेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलने वाले नए नए बिजनेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिजनेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिजनेस कैसे करें का सुहाना सफर। दोस्तों हिंदुस्तान ही क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा प्रोडक्ट जो हर व्यक्ति इस्तेमाल करता हो, छोटे बच्चे से लेकर बड़ी उम्र का, और वो है ऑयल। दोस्तों जो तेल होता है वो कहीं ना कहीं सब्जी हो, चाहे और प्रोडक्ट्स हों, उन सब में इस्तेमाल होता है। तो अगर आप ऐसा बिज़नेस करते हैं जिस जो तेल का बिज़नेस है, तो मैं समझता हूँ आपके प्रोडक्ट बहुत आसानी से बिक जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मैं लेकर आया हूँ आपके साथ, क्योंकि अगर हम छोटी मशीन लगाते हैं तो हमें कम निवेश करना पड़ता है, अगर हम बड़ी मशीन लगाते हैं तो ज़्यादा निवेश करना पड़ता है। पर ऐसी मशीन जो कम निवेश में छोटी हो, कॉम्पैक्ट हो, पर प्रोडक्शन ज़्यादा करे, तो आपको ज़्यादा मुनाफा देती है। तो इसी तेल के व्यवसाय के बारे में मैं बात करने के लिए आज पहुँच चुका हूँ बरेली में, SK इंजीनियर्स में हूँ, और मेरे साथ मौजूद हैं SK इंजीनियर्स के ओनर मिस्टर नावेद अहमद साहब। बहुत बहुत स्वागत है नावेद जी आपका बिज़नेस कैसे करेंगे। धन्यवाद नावे जी। मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि तेल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड हर जगह है, हर समय है, हर व्यक्ति इस्तेमाल करता है, तो जो आपकी मशीन है मेरे दोस्तों को क्या रोज़गार दे सकती है, क्या कारोबार दे सकती है। ये मशीन फुल्ली स्टैंडर्ड स्टील में बनी हुई है, 20 से 25 किलो पर आवर इसका प्रोडक्शन है एक घंटे में, और 10 घंटे अगर मशीन चलाते हैं तो 500 किलो तक माल बन जाता है। इसमें लगभग 10 रुपये किलो का मुनाफा आता है, लगभग 2 से 2,500 रुपये आराम से कमा सकता है आदमी अगर मेहनत करे तो। मेहनत करना होगी, अगर मेहनत नहीं करेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल, मेहनत का तो कोई तोड़ ही नहीं है, मैं कहता हूँ मेहनत तो ज़रूरी है। तो ये जो कॉम्पैक्ट मशीन है, ये जो कॉम्पैक्ट मशीन आपने किस तरह से बनाई, SS का क्यों रखा आपने, लोहे में भी तो आती है? जंग नहीं आता है, वैसे लोहे की भी आती है, लोहे की कम रेट की मशीन है। इसका कीमत है 3.5 लाख रुपये, और सस्ती मशीनें भी हैं इसमें हमारे पास, 25,000 से शुरू होती है, और 1.5 लाख रुपए की भी है, और बड़ी मशीनें भी हैं 3.5 लाख की, और इससे बड़ी मशीनें हैं, ये 10 लाख 15 लाख रुपए तक की मॉडल्स हैं हमारे पास। तो जो मेरे दोस्त हैं अगर ये बिज़नेस करते हैं तो छोटी मशीन ही क्यों लगाएं, बड़ी क्यों ना लगाएं, अगर आप मेरे गाइड कर पाएं मेरे दोस्त। ये अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आदमी करता है, अगर घर में लगाना चाहता है तो छोटी मशीन से भी काम चल जाएगा घरेलू, और अगर बिज़नेस करना चाहता है तो बड़ी मशीन लगाएगा तभी मुनाफा होगा, क्योंकि प्रोडक्शन होगी जब तो फायदा होगा। जी जी जी। और बड़ी मशीनें भी हैं हमारे पास, वो हम अभी दिखाएंगे आपको। पर जो छोटी मशीनें हैं वो स्पेशली आपने SS में बनाई है, जिससे कि उनसे अलग अलग तरीके के तेल निकल पाए, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। बादाम का तेल है, मस्टर्ड है, मूंगफली है, सभी तेल निकल जाते हैं ऑलरेडी एक ही मशीन से। अच्छा। और बहुत आसान है, हम लोग यहीं चलाना सिखा देते हैं मशीन को, इजी है, एक घंटे में चलाना सिखा देते हैं केवल। वेरी नाइस। और ये सिंगल फेस पे चलती है? जी, सिंगल फेस पे भी है, 3 फेस पे भी है मशीन है, जैसी चाहेंगे बन जाएगी मशीन। अच्छा, तो ये जो SS में मशीन बनाई है, इसकी हम इकोनॉमिक्स की बात करें, इसको कौन कौन लगा सकता है? इसको कोई भी लगा सकता है, नया बंदा जिसको तजर्बा नहीं है वो भी लगा सकता है, और बहुत कम इन्वेस्टमेंट से शुरू हो सकता है ये काम, और अच्छी डिमांड है बाजार में, सरसों के तेल की, मस्टर्ड की, मूंगफली के तेल की, सभी डिमांड है, बादाम के तेल की, सारे तेल निकल जाएंगे एक ही मशीन। और जो उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है खली होती है, वो भी बिक जाती है? खली भी बिक जाती है, खली जो है ऑलरेडी जानवर भी खाते हैं, और उसमें कैटल फीड में काम में आती है, और भी बहुत सी जगह काम में आती है, उसका भी अच्छा रेट है बाजार। बादाम की खली तो यहाँ तक कि मतलब आदमी भी खा सकते, वो तो बिस्किट बिस्किट में पड़ती है, सब में काम में आ जाती है, कोई चीज़ फेंकी नहीं जाती है इसमें। अच्छा, तो ये जो जैसे तेल निकलता है तो इसमें मुनाफा भी मेरे ख्याल से, क्योंकि बादाम तो बहुत महंगा आता है, तो 50-60 रुपये किलो तक कमा सकते हैं, और ज़्यादा भी कमा सकते हैं,
लेकिन मस्टर्ड पे 10 रुपये किलो लगभग अंदाज़ा है ये हमारा। दोस्तों मस्टर्ड ऑयल तो हर जगह बिकता है मैं समझता हूँ, और हर दिन हर व्यक्ति की ज़रूरत है। तो अब मेरे दोस्तों को ये मशीन किस तरह से काम करती है, एक डेमो दिखा सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, अभी हम डेमो दिखाते हैं। मिस्टर सर आपसे बोलता हूँ, मैं डेमो दिखाएगा आपको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SK इंजीनियर कंपनी में, और यहाँ मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी मशीन जो लाइफ में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके लाइफ में जो खाने पीने के आइटम होते हैं उससे रिलेटेड जो यूज़ में आती है। मैं ऐसी मशीन आपको आज दिखाने वाला हूँ। देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑयल मेकिंग मशीन। ये ऑयल मेकिंग मशीन है, इसमें आप सरसों का ऑयल, बादाम का ऑयल, कोकोनट यानी कि नारियल जो होता है उसका ऑयल, और कलौंजी वगैरह ऑयल, ये सब तरह के ऑयल आप इसमें निकाल सकते हैं। अरंडी होता है उसका ऑयल आप इसमें निकाल सकते हैं। ये मशीन जो है हमने बनाई है फूड ग्रेड, जो आप देखते हैं कि फूड ग्रेड मशीन होती है उसको देखते हुए हमने टोटल SS में बनाई है इसको, स्टैंडर्ड स्टील में। तो ये मशीन जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये अगर आप कोई छोटा मोटा बिज़नेस करना चाहते हैं या लार्ज स्केल पे बिज़नेस करना चाहते हैं तो इन मशीनों का यूज़ आप ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो छोटी मशीन है इसमें आप छोटे इन्वेस्टमेंट से लेकर अच्छा बिज़नेस और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा इस मशीन का यूज़ेज। इसमें पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस मशीन को कैसे यूज़ किया जाता है। तो देखिए आप, ये इसमें मीटर दे रखे हुए, यहाँ पर एम्पियर दिखाया जाता है और यहाँ पे वोल्टेज दिखाया जाता है कि इस समय कितना वोल्टेज आ रहा है। ये हमारा हीटिंग का मीटर दे रखा हुआ है, ये आप स्विच देख रहे हैं, ये इससे हमारा जो ऑन करते हैं तो ये जो हमारा ऑयल पंप है ये चालू हो जाता है इस तरह से। और इसके अलावा यहाँ पे दो स्विच और दे रखे हुए हैं, ये जो स्विच दे रखा है ये स्विच दे रखा है फ़िल्टर के लिए, ये इससे आप इसे ऑन करेंगे तो फ़िल्टर इसके चालू हो जाता है। और ये जो दे रखा हुआ है ये मशीन चलाने के लिए, मशीन को ऑन ऑफ करने के लिए। बाकी ये बटन दे रखा है ये इमरजेंसी के लिए है, बाई चांस कोई फॉल्ट हो जाता है कुछ तो आप इसे बटन दबा देंगे तो पूरी मशीन टोटल पूरी तरह से बंद हो जाएगी, ठीक है ना। ये फ़िल्टर्स है, हाँ। इसके अलावा आप यहाँ ये इसमें फ़िल्टर्स दे रखे हैं, अगर इसमें आप सरसों डालेंगे या कोई भी प्रोडक्ट डालेंगे उसका ऑयल निकाल रहे हैं तो उसका ऑयल यहाँ निकल कर आता है, यहाँ निकल कर आता है, यहाँ से फिर ये फ़िल्टर के अंदर जाता है। यहाँ पे वैक्यूम सिस्टम दे रखा हुआ है और इसके अंदर ऑयल पूरी तरह फ़िल्टर हो जाता है, फाइनली प्रोडक्ट यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ, यह है हॉपर। हॉपर है इस तरह का, इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप सरसों डालते हैं तो सरसों यहाँ से निकल कर आती है, इसमें एक वर्म लगा होता है बीच में, वर्म के द्वारा इस सरसों की पिसाई होती है जिसके द्वारा नीचे से ऑयल निकल कर आता है और फ़िल्टर में सीधा जाता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें सरसों किस तरह डालते हैं और किस तरह से ऑयल निकालते हैं। ये मनोज जी आइए, उसमें सरसों डालिए और हम आपको दिखाते हैं कि ऑयल कैसे निकाला जाता है। स्टॉपर है, इसमें क्या होता है कि आप जितनी सरसों डाल रहे हैं इसमें कितनी स्पीड से नीचे सरसों को गिराना है वो यहाँ से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कितना आ सकता है यहाँ पे इस हॉपर में? इस हॉपर में कम से कम 2 से 3 किलो सरसों एक बार में आप डाल सकते हैं। ये मशीन यहाँ से चालू की जाती है, यहाँ से पंप चालू कर दिया, ये मशीन चालू कर दी, अब ये देखिए आपका ऑयल यहाँ नीचे गिरना शुरू हो गया है सर। देखिए ये ऑयल यहाँ निकल रहा है, ये ऑयल यहाँ से फिल्टर में जाएगा, फिल्टर में जाने के बाद फाइनली प्रोडक्ट यहाँ से इसको बाहर निकाल लिया जाता है। अब ये आप देख रहे हैं यहाँ से ऑयल निकल रहा है और इसकी जो वेस्टेज होती है खल वो इसके पीछे निकलती है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं ये खल यहाँ से निकल रही है बाहर, ये सरसों की खल है। हम अभी सरसों का ऑयल निकाल रहे हैं तो ये सरसों की खल यहाँ से बाहर आ रही है। इस खल का यूज़ जो है वो बेकार नहीं जाता है, वो इसका यूज़ आप जानवरों को खिलाने के लिए या कैटल फीड या फिश फीड बनाने में यूज़ कर सकते हैं। ये देख पा रहे हैं आप सरसों का तेल यहाँ पे गिर रहा है, खल पीछे गिर रही है, अब ऑयल यहाँ से आएगा डायरेक्ट फिल्टर में जाएगा। और ये ऑयल आना शुरू हो गया, वेरी नाइस। देखिए ये ऑयल स्टार्ट हो गया है फिल्टर में जाने के लिए। तो अभी इसका कलर ऐसा ही रहता है क्योंकि इसमें
ये इसका कलर जो है अभी ऐसे ही रहता है, जब ये फिल्टर हो जाता है, फिल्टर होने के बाद आपका फाइनल आपको निकल के दिखाई देगा। तो इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें वैक्यूम है? इसमें वैक्यूम सिस्टम दे रखा होता है। तो वैक्यूम से क्या होता है? वैक्यूम से क्या होता है कि ये ऑयल जितना भी होता है ना ऊपर से वो नीचे को सक कर लेता है, और ऊपर जो गाद होती है ना वो ऊपर रह जाती है। ओके, पूरी तरह से सक कर लेता है। फुली ऑटोमेटिक मशीन है ये? फुली ऑटोमेटिक है और स्टैंडर्ड स्टील में है, फूड ग्रेड स्टैंडर्ड स्टील है। फूड ग्रेड स्टैंडर्ड स्टील है क्योंकि खाने पीने की चीज़ों में बहुत ध्यान रखकर इस मशीन को बनाया गया है। खाने पीने की चीज़ों में स्टील का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। तो कितना प्रोडक्शन हो जाएगा इस मशीन से? इस मशीन में जो प्रोडक्शन आती है लगभग आपका 50 किलो प्रोडक्शन आपकी इसमें आ जाती है। 50 किलो सरसों क्रश कर देते हैं एक घंटे में। हाँ, एक घंटे में 50 केजी सरसों क्रश हो जाती है, जिसमें आपका 25 केजी ऑयल निकल आता है। 20 से 25 केजी ऑयल आपका इसमें आराम से निकल आएगा सर। और ये दूसरा वाला फिल्टर क्यों है? ये दूसरा फिल्टर है, इसका प्लेट में गिर नहीं रहा है अभी, इससे नीचे। अच्छा, उस तरफ भी गिरा सकते हैं हम? हाँ, दो फिल्टर्स दिए आपने जिससे कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर आपका ऑयल बाहर निकल रहा है तो आप उसे निकालते भी रहते हैं, एक जगह स्टोर नहीं करते हैं, आपका कंटिन्यू यहाँ से ऑयल निकलता रहेगा और आप यहाँ से फिल्टर में से बाहर निकालते रहेंगे। इसमें जो सरसों आपने डाली है, जो तेल निकल रहा है, इसमें जो खल निकल रही है, इस खल को आप दोबारा से डालकर जो बचा हुआ तेल है वो भी निकाल सकते हैं। अच्छा, मतलब सेकंड प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं? सेकंड प्रोसेसिंग भी आप कर सकते हैं। देखिए सर, यहाँ आइए, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि कितनी अच्छी मात्रा में यहाँ पे ऑयल निकल रहा है। कितनी अच्छी मात्रा में और कितनी अच्छी क्वालिटी में यहाँ पे ऑयल निकल रहा है सर। देखिए सर, ये इसमें ऑयल पूरी तरह से निकल चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फाइनल ऑयल आपका किस तरह से दिखेगा और इसे हमें किस तरह से निकालना है। ये देखिए, दोस्तों मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ एक मिनी कॉमर्शियल ऑयल मशीन। जो लोग, जैसा कि आपने देखा होगा, कुछ लोग बड़ी मशीनों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या मतलब किसी भी तरह से उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, तो वो छोटी मशीन लगा सकते हैं। उसके लिए हमने ये छोटी मशीन बनाई है। जैसे कि कोई जॉब करने वाले जो लोग होते हैं, जो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हैं, तो वो इस मशीन को लगा के कर सकते हैं। ये मिनी कॉमर्शियल ऑयल मशीन है। इसमें कम से कम आपका 10 किलो सरसों आपका क्रशिंग पावर होती है और आपका 2 से 3 किलो ऑयल निकल जाता है आराम से। इसमें आप सरसों डालकर सरसों का ऑयल या कोकोनट या बादाम या अरंडी या कलौंजी का तेल भी निकाल सकते हैं। एक घंटे के अंदर प्रोडक्शन होता है? हाँ, इसका एक घंटे में ये आपका प्रोडक्शन होता है, जो मैंने अभी आपको बताया है। देख, चलिए अब हम आपको इसका प्रोडक्शन दिखाते हैं कि इसमें प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। देखिए, ये ऑन ऑफ की मशीन दे रखी हुई है, बटन यहाँ पे, और ये हीटिंग का बटन दे रखा हुआ है। ये लाल कलर की लाइट जल रही है, ये मतलब मशीन चालू है सर इस समय। ठीक है, अब इसमें हम सरसों डाल रहे हैं, मशीन चालू हो गई है, हीटिंग भी स्टार्ट है हमारी यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से, ये इसमें बीच में एक बर्म लगा हुआ था जिसके द्वारा खल आगे बढ़ रही है और इसकी सरसों की पिसाई हो रही है। और ये देखिए, तेल यहाँ से आपका निकलना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, जो इसका खल निकल रहा है, इसे आप गाय को, भैंस को या जानवरों के खाने में मिला सकते हैं, या इसका कैटल फीड बना सकते हैं। हर तरह में ये यूज़ किया जा सकता है। बादाम है, जैसे बादाम का ऑयल आप निकाल रहे हैं तो उसका जो वेस्टेज होता है वो भी आपका बेकार नहीं जाता है।
वो बेकरी बिस्किट वगैरह में यूज़ किया जाता है। ये देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी में आपका इसमें तेल निकल रहा है। इसमें फ़िल्टर की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है, इसमें इस तरह की ये जालियाँ दे रखी होती हैं जिससे आपका ऑयल फ़िल्टर होकर नीचे फाइनली निकल जाता है। ये सर यहाँ पे ये मीटर दे रखा हुआ है, यहाँ पे ये हीटिंग दे रखी है। अगर आप सरसों चला रहे हैं तो सरसों पे आपने 150 हीटिंग या 150 से 160 हीटिंग दे सकते हैं। बाकी हीट जो है अदर प्रोडक्ट पे आप उसके अनुसार सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये आपके ऑन ऑफ स्विच दे रखा हुआ है, ये रेड कलर की लाइट जल रही है यानी कि मशीन आपकी स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट जल रही है, हीटिंग स्टार्ट और ऑफ हो रही है, ठीक है। तो ये ऑन ऑफ का बटन दे रखा हुआ है, इसे आप ऑफ कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं। क्लीन अप का और ये स्क्वीज़, हाँ ये क्लीन अप के लिए, जैसे इसमें कुछ मटेरियल रह जाता है तो आप इसे प्रेस करेंगे तो जितना मटेरियल होगा वो बाहर आ जाएगा निकल कर। ये हॉपर है जी, ये हॉपर है, इसमें सरसों डालेंगे, यहाँ से आपका ऑयल निकलेगा, यहाँ से आपकी खल बाहर निकल आती है। ये मैनुअल स्क्वीज भी है पीछे। हाँ ये क्या होता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट जब डाल रहे हैं इसमें प्रेसिंग के लिए, तो इसमें प्रेसिंग के लिए जो इसका दबाव होता है उसको दबाव को सेट करने के लिए होता है। जैसे अगर आप सरसों लगा रहे हैं तो उसमें उसके अनुसार आपको दबाव देना है, कोई और प्रोडक्ट का तेल निकाल रहे हैं तो आपको उसके हिसाब से इसमें दबाव देना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप बड़ी मशीन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो ये छोटी सी मिनी कॉमर्शियल ऑयल मशीन है, आप इसको लगा सकते हैं। ये ज़्यादा नहीं, सिर्फ मात्र 1,25,000 रुपये में आती है। इससे आप अपने घर बैठे बिज़नेस कर सकते हैं, छोटा सा बिज़नेस कर सकते हैं, पैसा अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। सर अगर आप लेना चाहते हैं मशीन को तो इसके लिए आप हमारी कंपनी विज़िट कर सकते हैं। हमारी कंपनी है बरेली यूपी में, हमारा पूरा पता है 102 गार्डन सिटी पीलीभीत बाईपास रोड बरेली उत्तर प्रदेश सर। जो नहीं आ सकते हैं तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर वहाँ से चूज़ कर सकते हैं, वहाँ से किसी भी नंबर पर कॉल करेंगे, हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपसे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे मशीन की, और आप उनके द्वारा बात करके आप हमारी कंपनी विज़िट कर सकते हैं या ऑनलाइन भी हमारे द्वारा परचेस कर सकते हैं। सर जैसा कि मैंने आपको दिखाया अभी ऑयल मेकिंग मशीन के बारे में, उसके अलावा जो हमारे पास ऑयल मेकिंग मशीन अदर टाइप की हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए जो पहले के टाइम में जो एक्सपेलर चलते थे कोलू टाइप, ये वो हैं सर, 6 बोल्ट में 9 बोल्ट में सभी तरह के हैं हमारे पास अवेलेबल। ये कम से कम 1,70,000 रुपये में आता है, और उसके अलावा ये जो है ये करीब 3,40,000 रुपये में आता है 9 बोल्ट का। तो दोस्तों आपने देखा कि सौरभ साहब ने बहुत बेहतरीन डेमो दिया है दोनों मशीनों का। अब मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि अगर ये जो दोनों मशीनें हैं आपकी जी जी, खास करके जो मिनी ऑयल मिल है जी, वो कितने की पड़ेगी? मिनी ऑयल मिल छोटे में घरेलू यूज़ के लिए अगर लगाते हैं तो 24,000 रुपये की भी है, और उससे बड़ी 45,000 रुपये की है, और ये हमारी 1,35,000 की है। अच्छा, मतलब बहुत सारी रेंज है। जी हाँ, बहुत रेंज है इसमें जो है। तो एक जो बड़ी वाली मशीन है वो 3,50,000 की? 3,50,000 की, और उससे भी ज़्यादा की मशीनें भी हैं हमारे पास। अच्छा, वो भी हम दिखाएंगे। तो अपने निवेश के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप मशीनों को ले सकते हैं, और प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से कर सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन भी वैरी करते हैं, क्योंकि जो छोटी वाली मशीन है उसको अगर घर में लगा के बिजनेस करते हैं लोग तो कैसे मुनाफा। आप बादाम का तेल है, मूँगफली का तेल है, कलौंजी का तेल है, और भी दवाओं में तेलों का इस्तेमाल होता है, कलौंजी का इस्तेमाल होता है, इसके अलावा और भी तेल निकाल सकते हैं आप, और उसमें बड़ा अच्छा मुनाफा है। बादाम के तेल में तो 50 से 60 रुपए किलो आराम से कमा सकते हैं, कलौंजी पे और ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। ये आपके ऊपर है, मार्केट में जो भी डिमांड हो। तो नावेद जी, ये जो मशीनें अगर मेरे दोस्त खरीदेंगे तो क्या प्रोसेस रहता है जनरली? ये पहले बुक कराना होती है, बुक कराने के 10 डेज के अंदर मशीन दे देते हैं, 10 से 15 दिन के अंदर। अच्छा, और कोई गारंटी वारंटी? 1 साल की मैनुफैक्चरिंग, कोई डिफेक्ट होता है तो कंपनी सही करके देती है, बाकी चलाने में क्या हम सब बता देते हैं, यहाँ पे सिखा देते हैं चलाना। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे दोस्तों की एक एक पाई बड़ी कीमती है, तो आप ये विश्वास दिलाते हैं मेरे दोस्तों को कि उनकी मशीनें सुरक्षित उनके घर पे पहुँच जाएंगी। कंपनी अपने ट्रांसपोर्ट के द्वारा भेज भी देती है घर पे मशीन, कोई परेशानी नहीं आएगी, बस मेहनत करना पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं करेंगे तब तो कोई उसका हल नहीं है हमारे पास। तो एक तरह से दोस्तों आप बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं, बहुत डिसेंट प्रॉफिट बताए हैं नावे साहब ने। मैं समझता हूँ कि जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो अपने हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने मार्केट को देखिए, कहीं पे थोड़ा कम है, कहीं पे ज़्यादा है, और बिजली कितनी खर्च होगी एक बार अगर मेरे दोस्तों को बता। मशीन अगर सिंगल फेज पर भी हैं, 3 फेज पर भी हैं, छोटी मशीन पर तो कोई ज़्यादा लोड नहीं है, सिंगल फेज का मोटर्स हैं, और बड़ी मशीनों पर 5 किलोवाट 3 किलोवाट से भी काम चल जाएगा, 3.5 लाख वाली 3 किलोवाट से चल जाएगी मशीन,
और ये छोटी मशीनें 1/3 के मोटर लगे हुए हैं, बहुत छोटे मोटर लगे हुए हैं जो सिंगल फेज घरेलू से भी चला सकते हैं। अच्छा, मतलब कोई बहुत बड़ा खर्चा बहुत नहीं, बड़ा खर्चा नहीं है, और बड़ी मशीनें उन पे लोड लेना पड़ता है, बड़ी मशीनों पे लेबर भी लगानी पड़ेगी। जी जी। अच्छा, तो बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है दोस्तों, एक बार आप ज़रूर एक्सप्लोर करिए कि ये जो मशीनें हैं आपको अपने घर में सेटअप कर सकते हैं, बहुत कम जगह पे सेटअप कर सकते हैं, आप अपने परिवार के बीच में रहकर आमदनी का एक जरिया बना सकते हैं, और आप चाहें तो दूसरों को भी लेबर पे लगा के, बड़ी मशीन अगर आप लगा रहे हैं तो उनको भी रोज़गार दे सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया नाविद जी, आपने इतनी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बिज़नेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा, अगर हाँ तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। दोस्तों, एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द आपसे मिलता हूँ, तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए, देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार।